माली हालात बेहतर करने का भी वजीफा हमसे पूछा गया है, इसका कोई मखसूस वजीफा है? जी बिल्कुल, जनाब रसूल खुदा की रहलत के बाद एक शख्स आया जनाब रसूल खुदा के एक सहाबी के पास, उसने आकर कहा कि मुझे एक वजीफा मिला है कि जिससे मुफलसी ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ की फरावानी हो जाती है। तो जो सहाबी बैठे थे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि ये किसी और को जाके बताना, मेरे पास तो जो जनाब रसूल खुदा मुझे अमल बता गए हैं वो तो इस कदर बेहतरीन है कि मेरी सात नस्लें भी कभी मुफलिस नहीं हो सकती। वो फौरन बैठ के उसके पास उसने सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा अमल है जो तुम्हें पता चल गया और उसमें सात नस्लों तक जो है रिज़्क़ फरावानी रहेगी, कमी नहीं आएगी। उसने कहा जनाब रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में मुझसे फरमाया था कि रोज़ाना अपनी जो मगरबैन की नमाज है उसके बाद सूरह वाकिया की तिलावत किया करो। जो रोज़ाना मगरबैन की नमाज के बाद सूरह वाकिया की तिलावत करता है, माशर वाले दिन उसका चेहरा रोशन रहता है और दुनिया में वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता, उसके रिज़्क़ में इस कदर फरावानी होती है कि वो कभी भी मुफलिस नहीं होता। फिर उसके अलावा जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि घर में दाखिल हो तो सलाम करें, वो रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। फिर तहज़ीबुल इस्लाम में आठवें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जब खाना खाएं, खाना खाने के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के उसके फौरन बाद सूरह तौहीद पढ़ लें। मासूम का फरमान है कि खाना खाने के फौरन बाद अल्हम्द यानी शुक्र अदा करके फौरन सूरह तौहीद पढ़ने से आपके घर में इस कदर बरकतें हो जाएंगी और इतनी नेमतें आएंगी, और वो नेमतें सिर्फ रिस्क नहीं है, वो नेक औलाद भी है, वो आपका इबादत में दिल लगना भी है, आपका घर में बाकी तमाम लोगों के साथ जो सबसे बड़ी जो नेमत है वो खुश अखलाकी भी है, ये तमाम सुकून भी है और झगड़े वगैरह ख़त्म होना, ये रिस्क में बहुत ज़्यादा फरावानी का मुजर्रब अमल है जो खाने के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर सूरह तौहीद तिलावत करते हैं। सुबहानल्लाह, आप लोग देख लोगे इतनी छोटे छोटे अमाल हैं, इतने छोटे छोटे से वज़ाइफ हैं, अगर हम इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो कितनी हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है।